हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबीसी दिल से। दोस्तों उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको ले आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह जिसका नाम है, ये देखिए लिखा हुआ, डिगोली पोखरी। तो ये डिगोली पोखरी जो है यहाँ पे है एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा लेक और उसके पास है पार्क। ये देखिए हम ये एंटर कर गए हैं और ये कि जैसे आप देख रहे हो गुवाहाटी में स्थित है, बिल्कुल मेन सिटी के एकदम सेंटर में। और ये बहुत ही सुंदर सा आई लव गुवाहाटी, जो कि मेरे भी दिल की आवाज़ हमेशा रहती है, आई लव गुवाहाटी का बहुत ही सुंदर सा स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है। और ये देखिए अब हम चलते हैं इस तरफ और ये कितना ब्यूटीफुल देखिए ये लेक है एकदम बीचों बीच सिटी के, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। और लेक के पास ही एक छोटा सा ये बच्चों का पार्क भी बनाया हुआ है आप देखिए। और साथ ही साथ यहाँ जो लेक है उसमें बोटिंग भी होती है और देखिए कितना खूबसूरत है ये बच्चों का, बहुत सारे झूले वगैरह इसमें लगे हुए हैं। और जब आप आते हो पूरी धूप और साथ ही ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा लेक बहुत ही सुंदर लगता है। और ये पार्क के दूसरे हिस्से से भी देखिए मैंने कवर करके दिखाया आपको, ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी सी जगह है ये। और पार्क के बीचों बीच में यहाँ पे जो है राधा गोविंद बरुआ का जो है वो स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असम भी कहा जाता है। और ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल स्टैचू है उनका, बहुत ही सुंदर सी ये प्यारी सी जगह। और ये देखिए ये है पूरा वो खूबसूरत लेक का नजारा। और दूसरी तरफ जहाँ इस तरफ ये लेक है, देखिए अभी मैं आपको दिखाऊँ, दूसरी तरफ बिल्कुल ये सिटी का जो है रोड जो है वो चल रहा है, मतलब ये बहुत ही अनबिलीवेबल सी जगह है कि एकदम सिटी के बीचों बीच इतनी खूबसूरत जगह। तो दोस्तों अगर आप कभी गुवाहाटी आओ और अगर आप गुवाहाटी में रह रहे हो तो डिगोली पोखरी ज़रूर जाइए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।